हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने सोचा आपको चिकपी जो है चनों की रेसिपी देती हूँ। मैंने बॉयल जो है ये चने लिए हैं, उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाला है और फिर ये मैंने आलू हैं, पोटैटो बॉयल हुए हुए वो डाले हैं छोटे छोटे क्यूब्स में। फिर मैंने ये हरी मिर्चें जो हैं वो इसमें ऐड कर दी हैं बारीक उतर के। फिर उसके बाद ये इमली का पल्प है, इसको मैंने जो है इमली को थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था पानी में। ये इमली का पल्प इसमें ऐड कर दिया है जितना आपको रिक्वायरमेंट हो। फिर उसके बाद जो है ये मैंने चाट मसाला लिया है, ये कुटी हुई मिर्चें हैं, चिली फ्लेक्स और चाट मसाला है। ये जितना आपको डालना हो ये आप डाल लीजिएगा अपनी चॉइस से। फिर उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर जो है ये सॉल्ट ऐड किया है, सॉल्ट भी आप जो है वो इस रिक्वायरमेंट डाल लीजिएगा। और फिर जो है उसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया है अच्छी तरीके से मिक्स करें इसको। और फिर जो है वो ये डन हो गई है। अब मैंने सोचा कि चलें थोड़ा सा ना ट्राई किया जाए ना, घर वालों को भी थोड़ा सा टेस्ट करवाया जाए ना कि ये किस तरीके से बनी है। तो फिर मैंने जो है वो एक प्लेट लेके, तो फिर मैंने उसके अंदर सोचा कि थोड़ी सी चाट बनाती हूँ। फिर मैंने इसके अंदर चाट बनाई है और ये देख रहे हैं आप किस तरीके से जो है वो मैंने चाट निकाली है। बहुत ही कोई डिलीशियस और टेस्टी जो है वो चाट जो है वो तैयार हो रही है। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट कर दिया है, ऐड कर दिया है थोड़ा सा मसाला और मज़ीद। फिर उसके पास ये भेलपूरी है, ये ईज़िली मिल जाती है मार्केट में, ये भेलपूरी है। फिर मैंने इसमें भेलपूरी ऐड की है और फिर उसके बाद जो है मैंने ये पापड़ी है, ये पापड़ी मैंने इसमें ऐड की, क्योंकि पापड़ी के बगैर तो चना चाट का मज़ा ही नहीं है ना। भेलपूरी हो जाए और पापड़ी हो जाए अगर चना चाट के अंदर, तो फिर तो और भी मज़ा दुधबाला हो जाता है ना। तो बस मैंने थोड़ा सा ये इसका पानी ऐड किया है चाट का और थोड़ा सा मसाला डालने के बाद